अभी हम बिलाट गेट पे है, होटल बिलाट गेट, एक गुजरात बॉर्डर के स्टार्टिंग में आता है, लाइक नियर द चेक पोस्ट। हम लास्ट टू डेज से हम नासिक एक्सप्लोर कर रहे थे, नासिक का टूर कंप्लीट हो चुका है। अब आप वीडियोस, पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अभी हम बिलाट गेट से टुवर्ड्स दमन जाएंगे, दैट इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स ही है। सो दमन हम पूरा आज एक्सप्लोर करेंगे। बिलाट में रूम का रेट से अराउंड 2000 रुपीज़, बहुत अच्छा है, नीट है, क्लीन है। हमने इधर ही स्टे किया था और ब्रेकफास्ट भी हो गया अभी इधर। सो अभी हम दमन स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। बिलाट से लगभग 20 किलोमीटर है, हम आ गए अभी दमन में। दमन का वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच बोलते हैं, दिस इज़ जयपुर बीच। अभी जयपुर बीच को एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज है देखेंगे, उसके बाद कहाँ जाना है देखेंगे। जयपुर बीच पे बनाना राइड से, जर्सकी से और पैरासेलिंग भी है, लेकिन अभी पैरासेलिंग तो दिख नहीं रहा है मुझे। और इतना पानी रहता है इधर, अभी सुबह का टाइम क्या पता नहीं, पूरा पानी उधर लो टाइड है, उधर तक ही पानी है। शायद इवनिंग को हो सके तो आके देखेंगे पानी कितना लेवल तक है, अगर कुछ एक्टिविटीज़ होगा तो इवनिंग में आके करेंगे। ये देखिए एक और कुछ लेके जा रहे हैं, ओके ठीक है। रोलर दैट इज, यू नो यू सीन द ड्रिल रोल इन द वाटर। इधर एक्टिविटीज़ तो सुबह को अगर अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 7 to 11। उसके बाद पानी पूरा लोटेड हो जाता है इधर, सो कर नहीं सकते, सो नेक्स्ट डे ही करना पड़ेगा। अभी हम ये हॉट साइड है, इस पर चले गए। अभी कुछ भी नहीं है ना, आप कुछ नहीं है, ठीक है, काउंटर ही है, ठीक है। अच्छा अभी कल सुबह आएंगे तो इधर तक पानी रहता है। ओह, ये रोज का ऐसा ही होता है या? रोज ऐसे ही होता है। अच्छा, आज 2 बजे गया, कल 3 बजे जाएगा। हाँ हाँ, अगले दिन 4 बजे जाएगा। अच्छा, इधर जितना लेट होता जाएगा उधर, तो पानी तो उधर है ना, उधर कर सकते हैं ना, मतलब उतना ही पानी, बट जितना दूर जाएगा मतलब पानी ज्यादा नहीं है, इतना डूबेगा ही नहीं। ओह अच्छा, ज्यादा नहीं। अच्छा, पैरासेलिंग से सूट। अच्छा, सभी बीच पे या फिर जो भी बीच है? नहीं नहीं, सब बीच में होता है। अच्छा, ये सब एक्टिविटीज़ अभी तो कुछ भी नहीं है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग आएंगे दैट इज़ फ्रॉम 8 to 3 तो ये सब हो जाएगा। अभी लो टाइड है इसलिए अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी जयपुर बीच तो हो गया, अच्छा जयपुर बीच आप आ सकते हैं, इधर एकदम क्लीनेस्ट बीच है। अभी हम जाएंगे देवका बीच। यही है जयपुर बीच का एंट्रेंस। एकदम क्लीन है ना इधर, ये देखिए रोड भी, देखिए रोड भी एकदम क्लीन है। जयपुर बीच से कुछ किलोमीटर आगे आने से लाइट हाउस आ जाएगा, लाइट हाउस में तो अलाउड नहीं है, बस खाली से देख सकते हैं आप। चलिए उस तरह चलते हैं अभी। अभी हम आए डोमिनिकन मोनास्ट्री, अभी हम इसको देखेंगे। डोमिनिकन मोनास्ट्री हो गया है, अगर आपको बेस्ट फोटोज लेना है तो आपको इस रुइन जगह पे आना है, फोटोशूट के लिए बेस्ट प्लेस है। अभी ये एक्सप्लोर कर दिया हमने, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट देवका बीच। तो चलिए अभी देवका बीच चलते हैं। इसी जगह को मोती दमन फोर्ट कहते हैं, जस्ट वॉकेबल ही है डोमिनिकन मोनास्ट्री से। अभी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा टाइम इधर स्पेंड करेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे हम देवका बीच। देवका बीच आता है ना नेक्स्ट? हाँ, देवका बीच जाएंगे नेक्स्ट। ये जगह भी फोटोशूट के लिए अच्छा है, देखिए नज़ारा देखिए कैसा है, इस तरह से ये फोर्ट के अंदर है, देखिए कैसा व्यू।
वेडिंग फोटोशूट भी बहुत होता है इधर। ये पोर्चुगीज टाइम का बना हुआ फोर्ट है, व्यू भी अच्छा है इसका। बीच दस साइड साइड नहीं, आई थिंक दिस साइड, यही है सेंट जेरोमी फोर्ट, एग्जैक्ट ऑपोजिट टू लाइट हाउस। जो उस तरफ लाइट हाउस जो पहले हम गए थे उसी का ऑपोजिट है। इसी ब्रिज के नेक्स्ट ब्रिज से आपको आना है इस तरफ। अभी इस ब्रिज इस फोर्ट के अंदर जाएंगे। ये भी करीबन 500 साल पुराना फोर्ट है। टॉप में आए हमें भी सेंट जेरोम फोर्ट का। इसको छोटी दमन भी बोलते हैं और वो वाला मोटी दमन बोलते हैं। इस फोर्ट में इतना कुछ नहीं है देखने के लिए। बेटर छोटी दमन को आप स्किप भी कर सकते हैं, इतना कुछ नहीं है इधर देखने के लिए। मोटी दमन इज ओके देन दिस। और दो जगह बाकी है, एक है देवका भी जाएंगे अभी, उसके बाद जाएंगे मिरासल। मिरासल में लंच भी करेंगे। चलिए चलते हैं। अभी हम देवका बीच पे आए, ऑलमोस्ट जयपुर बीच की तरह ही दिख रहा है, लेकिन शोर की तरफ तो अलग ही दिख रहा है। आइए देखते हैं। ये देव का बीच, इधर का मिट्टी देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक है। और शोर देखिए कैसा है, पूरा लो टाइड के कारण ऐसा दिख रहा है। कितना स्मूथ है। देव का बीच अलग ही है, अलग ही दिख रहा है। नजारा ही अलग ही है। वो बहुत स्लिपरी है जगह। अगर आप इवनिंग को आएगा ना तो इधर तक पानी रहता है पूरा। ये जो हम बैठे हैं ना इधर तक पानी रहता है पूरा इधर। अभी टाइम हुआ है अराउंड 1 o'clock और अभी लो टाइड है तो पानी इधर बिल्कुल नहीं है। उधर से लेके देखिए आप, उधर तक पानी नहीं है बिल्कुल। वही आप शाम को आइए तो पूरा पानी भर जाता है। इधर भी ऐसा ही है और जयपुर बीच में भी ऐसा ही है, लेकिन इधर का नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है। देवका बीच भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको इधर भी आना चाहिए। अभी इधर हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम जाएँगे मिरासल लेक गार्डन। इधर पर कुछ एक्टिविटीज़ तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कैमल राइड और हॉर्स राइडिंग है, और तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा है। अभी थोड़ी दूर के बाद हम मिरासल लेक गार्डन जाएंगे। देव का बीच ड्राइव करके हम अभी आए हैं मिरासल लेक गार्डन। इधर बहुत एडवेंचर्स भी है, अंदर बोटिंग भी कर सकते हैं, लंच भी इधर ही है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। ठीक है, नेचुरल लेक है या आर्टिफिशियल लेक है? तो बनाया गया है, पूरा लेक ही बनाया गया है। अच्छा, कितना टाइम लगता है पूरा जाना आने के लिए? 10 मिनट लगेगा? हाँ, 7-8 मिनट लगता है। मोटर बोट हो गया है, इसका 600 रुपये लिया है। पेट्रोल बोट का 300 रुपये लेते हैं। अभी चलिए बाहर चलते हैं। मिरासल लेक पार्क हो गया है। इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है मिरासल लेक पार्क में। बोटिंग कर सकते हैं, ठीक ठीक है, बाकी तो और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। अंदर रेस्टोरेंट है, मिरासल का लेक रेस्टोरेंट है, जो कि वो मिक्स है, नॉन वेज एंड वेज है। इसके पीछे जाएंगे तो पकवान का है, वो प्योर वेज है।
दमन का टूर पूरा कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट सब प्लेसेस हमने एक्सप्लोर किया है। आपको और कुछ डाउट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जितना जल्दी हो सके रिप्लाई कर दूंगा। और थैंक्स बटन को क्लिक कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उसके बाद मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। बाय बाय।